चलिए अब सीधा रुख करते हैं झारखंड का। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं पार्टी प्रत्याशी के जनसमर्थन के लिए। जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उन्होंने विरासत का सम्मान किया। आप यही सोचिए 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था, एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा। मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा, गरीब किसान नौजवान महिलाएं इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकंपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत